Hey guys, welcome back to my channel. तो आ गई हूँ मैं एक और मार्केट का विंटर कलेक्शन लेके, और इस बार की मार्केट है लाजपत नगर मार्केट। और कलेक्शन इस बार का ऐसा है कि देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और प्राइस सुनकर तो डेफिनेटली होश उड़ जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ की कुछ ऐसी हिडन शॉप जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि लाजपत नगर मार्केट में इन शॉप्स पर आपको इतना सस्ता सामान मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप दिल्ली की चीपेस्ट मार्केट के लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। लाजपत नगर मार्केट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लाजपत नगर, जो कि पड़ता है पिंक और वॉयलेट लाइन पर। और गेट नंबर 5 से एग्जिट करने के बाद अराउंड 100 मीटर्स की वॉक करके आप मार्केट में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का, तो मिक्स एंड मैच शॉप के बाहर यहाँ पर ये रिंग थी 50 रुपीज की, जहाँ पर ये सारे झुमकी और बड़े वाले इयर रिंग्स थे। छोटे वाले इस तरीके के डेजी इयर रिंग्स और कोरियन इयर रिंग्स भी थे इनके पास, बीट्स वाले इयर रिंग्स भी थे और सबका प्राइस 50 रुपीज ही था। कुछ बहुत क्लासी इयर रिंग्स भी थे इनके पास, जैसे कि आप देख सकते हो शेल वाले इयर रिंग्स भी हैं, डिफरेंट तरीके के हुप्स हैं, झुमकियाँ हैं, वैरायटी काफ़ी अच्छी है इनके पास, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक पीस थे इनके पास जो नॉर्मल मार्केट्स में नहीं मिलते हैं, और प्राइस सबके 50 रुपीज़ ही थे। और आप ऊपर की कलेक्शन भी देख सकते हो इनकी। तो स्टैंड मैक्स के सामने यहाँ पर थी ये जुत्ती की शॉप, जहाँ पर ये जुत्तियाँ थी 250 से 550 की प्राइस रेंज में, और बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ था इनके ऊपर। और ये येलो वाले तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे थे, उनका सोल भी बहुत सॉफ्ट था। कोल्हापुरी यहाँ पर 250 में थी, चाहे आप कोई सी भी लें। देन इसी के नेक्स्ट यहाँ पर ये शॉप थी, जहाँ पर ये शरारा कुर्ते का सेट था, ड्रेस मटेरियल थे ये। तो ये गोटा पट्टी वाले जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये है 1250 के, और शरारे इनके ऑलरेडी स्टिच्ड हैं, बट आपको कुर्ता स्टिच करवाना पड़ेगा। देन यहाँ पर थे ये ऑर्गेन्जा में सूट था, इसका रेट था 1650। और ये थे वेलवेट के सूट, जिनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई थी और इनका प्राइस था 1850। राजप्रिय स्टोर के जस्ट सामने यहाँ पर ये रिंग थी, जहाँ पर ये लॉन्ग शर्ट्स थी, इस तरीके की वेलवेट की ड्रेसेस थी, इनका प्राइस उन्होंने मुझे 650 बताया। मटीरियल बहुत सही था और कलर ऑप्शंस भी काफ़ी अवेलेबल थे इसमें। इस तरीके की शर्ट्स भी थी जिन पे एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी हुई थी, एंड देन इनके पास वन पीस ड्रेसेस भी थी यहाँ पर पीछे, और इस तरीके के ड्रेस भी थी इनके पास, और इसका प्राइस भी सेम ही था। बाकी अगर आप बार्गेन करोगे तो वो कम भी कर लेते हैं आराम से। देन इसी के आगे यहाँ पर ये अंकल थे, जिनके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की वॉचेस थी, जिनके प्राइस थे 150 से 550 के बीच में। कैसियो वाली जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये वाली 550 की हैं। देन यहाँ थी ये 200 के रिंग, जिसमें कार्डिगन, स्वेटर, पुलोवर, जैकेट्स बहुत अच्छी वैरायटी में मिल रही थी, और मटेरियल इनका बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही थी, क्योंकि टच करके पता चल जाता है ये कपड़ा कितना अच्छा है या कितना बेकार है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इसमें। कुछ स्वेटर्स तो बहुत ही ज़्यादा सही थे और ऑप्शंस इनके पास काफ़ी थे। ये रेड वाला काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बट ये थोड़ा लूज था इसलिए मैंने नहीं लिया, बाकी था बहुत ही अच्छा। देन यहाँ पर लोअर थे, तो कॉटन वाले लोअर जो थे वो 100 के थे, वुलन वाले थे 150 के, और वेलवेट वाले थे 250 के। साइजेज इनके पास अवेलेबल थे डबल एक्सल तक। मोमोज कॉर्नर के सामने यहाँ पे थी ये ब्रांडेड स्वेटशर्ट, जो कि 350 की प्राइस रेंज में थी, और आप ब्रांड्स देख सकते हो इनके, और मटेरियल वाइज बहुत सही थी, फ्रेश थी बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब ख़राब सी हैंगी, बहुत सही थी। बाकी वीडियो में इतना पता नहीं चलता, बट आप टच करते हो तो आपको पता चलता है कि कितनी चीज़ फ्रेश है या ख़राब है। तो काफ़ी अच्छी स्वेटशर्ट थी इनके पास, और ऑप्शंस हर तरीके हर ब्रांड के अवेलेबल थे। और एसेंस के सामने वाली लेन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये रिंग थी 200 की, जिसमें स्वेटर्स, जैकेट, पुलोवर, कार्डिगन, जिपर हर तरीके के थे, और मटीरियल वाइज काफ़ी सही थे। और अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे तो वो और भी प्राइस कम करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बोनी का टाइम होता है। बाकी जो ये रेड वाला है, अरे निकल जा, ये बिल्कुल फंसा हुआ था, मतलब सारे कपड़े इतने फंसे हुए थे इसमें,
तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे, कुछ डिफरेंट था बट बहुत ही ज़्यादा सही लगा, और ये भी 200 में ही था। तो यहाँ पर थे ये श्रग, और H&M और ज़ारा के थे टैग्स, इन पे लगे हुए थे, और इनकी प्राइस थी 350। बाकी लास्ट ये मेरे को 200 में देने को भी तैयार हो गए थे इसको। और ये वेलवेट वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एनिमल प्रिंट में था, बहुत ही ज़्यादा सही लगा, कपड़ा इतना अच्छा था इसका, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जिसे कहते हैं। और जो इसके आगे वुलन वाले हैं ये सारे 550 के हैं, और कलर और ऑप्शंस इसमें भी सारे अवेलेबल थे। तो ये सारी की सारी जो शॉप्स हैं ये सब इंसेंस के सामने वाली लेन की शॉप है। तो ये वाली रिंग थी 450 की, और इसमें लॉन्ग कार्डिगन, ड्रेसेस, श्रग, स्वेटर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थे कलर ऑप्शन, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जैसे ये येलो वाला है वुलन में, और इस तरीके के वाइट कोट था, बट इनमें वही है साइज़ अवेलेबल नहीं होते, जो साइज़ यहाँ पर हैंगे रिंग में वही साइज़ होते हैं, बट मटेरियल वाइज काफ़ी सही थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी कपड़ों की, ऐसा नहीं है कि लास्ट में छाट के निकाल रखा है तो ख़राब माल है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उनमें अभी भी, बट वही है स्टॉक क्लियरेंस है। अब सबको पता है कि ये सर्दियाँ जाने वाली हैं, एक महीने की मुश्किल से हैं, तो इसलिए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी देने को तैयार हैं वो, कि आप बस सामान ले लो, क्योंकि उन्हें अपना वुलन कलेक्शन ख़त्म करना है इसलिए। देन यहाँ पर थे, उसी के सामने यहाँ पर थे ये शॉर्ट में स्वेटर्स और पुलओवर, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे कुछ तो, मटेरियल वाइज काफ़ी अच्छे थे, बट वही है कुछ ओवर साइज थे। और जो सामने ये वाइट कलर का आपको स्वेटर दिखाई दे रहा है ये 450 का है, इसके पीछे जो श्रग और स्वेटर्स हैं वो 350 के हैं, और बिल्कुल फ्रेश हैं ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार माल है या सेकेंड हैंड माल है, आप देख सकते हो। देन यहाँ पर थे बच्चों के शूज़, और ये थे आगे वाले जितने भी हैं 150 के, और पीछे जो बड़े वाले शूज़ रखे हुए हैं वो 350 के हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीन वाली जैकेट थी 450 की, जो कि काफ़ी सही मटेरियल में थी, काफ़ी ठीक लग रही थी, बस वही है थोड़ा पड़े रहते हैं तो कपड़े थोड़े अजीब से लगते हैं। बाकी ये 200 की रिंग थी जिसमें स्वेटर्स और कार्डिगन्स थे, जैकेट्स भी थी इसमें, मटेरियल वाइज काफ़ी सही थे। देन इस तरीके के यहाँ पर स्वेटर भी थे, ये भी 200 के ही थे, और आप देख सकते हो कि फ्रेश ही हैं ये, और रिंग की कलेक्शन भी आप देख सकते हो, स्वेटर्स काफ़ी सही हैं इसमें, ये ऑरेंज वाला हो या इसके आगे ये चेक वाला हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है सारे के सारे। और ये पिंक वाला तो काफ़ी सही लग रहा था। रानी गारमेंट्स के बाहर यहाँ पर थे ये स्वेट शर्ट, जो कि 500 से 750 की प्राइस रेंज में थे, क्योंकि ये सारा स्टोर क्लियरेंस था तो इन पे सब पे 20% ऑफ था, तो जो भी इनकी MRP है उससे 20% ऑफ में आपको मिल जाएंगी ये स्वेट शर्ट। और वैरायटी इसमें काफ़ी थी, मटेरियल बहुत अच्छा था क्योंकि फ्रेश ही थी ऑफकोर्स, क्योंकि शॉप की कलेक्शन थी, और वैरायटी आप इसमें देख सकते हो, मटेरियल वाइज काफ़ी सही हैं ये, डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस तरीके के फ्लोरल प्रिंट में ज़िपर थे इनके पास, और साइजेस भी इनके पास सारे अवेलेबल थे, ये वाले 450 में थे, बाकी 20% डिस्काउंट के बाद आपको ये मिलेंगे। देन इसके आगे ये हुडी भी थे ज़िपर वाले, जो कि सेम प्राइस में ही थे। यहाँ पर ये लोअर थे, तो जो कॉटन वाले लोअर हैं इनके पास वो थे 350 के, वेलवेट वाले जो हैं वो हैं 450 के, और जिनके अंदर वुलन मटेरियल का यूज़ हुआ हुआ है वो हैं 550 के। तो जो ये ऊपर वाले टॉप थे ये सारे के सारे 250 की प्राइस रेंज में थे, कलर ऑप्शंस आप देख सकते हो काफ़ी हैं। देन यहाँ पर पीछे वही कॉटन और वेलवेट के लोअर थे, प्राइजेस सेम ही हैं, और सबसे लास्ट वाले जो हैं उनके अंदर वुलन मटेरियल का यूज़ हुआ हुआ है, और कलर और साइजेस आपको सारे मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे तो शॉप के अंदर मिल जाएंगे, बट आपको सारे साइजेस मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सारे हुडीज और जिपर थे, जिनकी प्राइस रेंज थी 550 से 950, और ऑप्शंस आप देख ही सकते हो यहाँ पर। देन लास्ट में जो ये वुलन कुर्ती हैं इनका प्राइस था 650। तो चार्ट कॉर्नर के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर थे ये नाइट सूट, जो कि वुलन में थे, और इनका प्राइस था 700। मटेरियल वाइज बहुत अच्छे थे ये, जैसे कि आप देख सकते हो फर में भी हैं इनके पास, ये डोरेमोन वाला बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था,
इस तरीके के हार्ट शेप में भी थे, दंगे वाले भी थे और बॉटम भी सही थे और फ्री साइज़ थे ये, तो साइज़ का कोई इशू नहीं आने वाला है। हुडी वाले भी थे इनके पास, इस तरीके के येलो वाले भी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा था, बहुत सॉफ्ट कपड़ा था। देन यहाँ पर थे ये कॉटन मटेरियल में और ये थे 600 में, ये भी फ्री साइज़ के थे तो साइज़ का इशू इसमें भी कुछ नहीं आएगा। और प्रिंट और डिज़ाइन आप देख ही सकते हो, काफ़ी हैं, कलर ऑप्शंस काफ़ी हैं यहाँ पर। तो चार्ट कॉर्नर की लेफ्ट हैंड साइड वाली लेन में यहाँ पर थे ये हैंडबैग्स, क्लचेस थे इनके पास, इस तरीके के क्यूट वाले बैग्स थे, ये सब 250 की प्राइस रेंज में है। ऊपर वाले जो ऑफिस बैग्स या शोल्डर बैग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब 250 में है। वैरायटी आप देख सकते हो नीचे कितनी है। और ये जो पीछे बड़े वाले बैग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब 550 की प्राइस रेंज में है। और ऑप्शंस इनके पास काफ़ी थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लासी थे। देन इस तरफ भी बैग्स थे, जैसे कि ये सीक्वेंस वाला है जो कि बहुत क्यूट लग रहा था, ये भी 250 की प्राइस रेंज में है। आगे वाले जितने भी हैं सब 250 के हैं, वैरायटी आप इनके पास देख सकते हो। स्लिंग में काफ़ी वैरायटी है इनके पास। तो शॉप नंबर 83 के बाहर यहाँ पर ये प्लाजो सेट थे 700 में, और ये सभी के सभी लिवास ब्रांड के थे और साइजेस यहाँ पर सारे अवेलेबल थे। प्रिंट और डिज़ाइन आप देख सकते हो, कॉटन मटेरियल में है, थ्री पीस सेट है ये, टॉप बॉटम एंड दुपट्टे का सेट, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं नेक पे गोटा पट्टी का काम हुआ हुआ है। और प्रिंट काफ़ी अच्छा है, वैरायटी काफ़ी अच्छी थी इनके पास जैसे कि आप देख ही सकते हो। ग्रीन वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मटेरियल बहुत अच्छा था इसका, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और आगे जो समर आने वाली है उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। देन ये ग्रीन कलर का था लिबास का, सेम ऐसा मेरे पास भी है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा था। देन यहाँ थे ये अदबकारी, तो शॉप नंबर 83 के बेसमेंट में है ये शॉप, और इनकी चिकनकारी बहुत अच्छी थी। ये कुर्ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मसलीन में है, तो ये ग्रीन वाला जो है ये है 1850 का, और जो इसके आगे ये रेड वाला है मसलीन में, ये वाला है 2150 का सेट। और शॉप नंबर 84 पे थी बैग्स की अमेजिंग कलेक्शन, और प्राइस सुनकर तो आप इसके हैरान हो जाएंगे, जितने बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब 250 की प्राइस रेंज में है। ये ऊपर वाला आप देख सकते हो ज़ारा का ड्यूप है, वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल प्राइस है, यहाँ पे ये 250 में है। और इनके पास बैग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, चाहे आप शॉप के अंदर भी देख सकते हो, ये बड़े वाले जितने भी हैं ये 550 के हैं, और अंदर और भी ज़्यादा ब्रांडेड बैग्स थे इनके पास, हर ब्रांड का बैग था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में थे बिल्कुल। और ऑप्शंस आप देख ही सकते हो, ये है इनका कार्ड, अगर आप चाहें तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो शॉप नंबर 85 में यहाँ पर थे ये कार्डिगन, और ये जो आगे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये है 650 के, पीछे वाले जो हैं ये 750 के हैं, और इसके पीछे वाले जो हैं वो 850 और 950 के हैं, लोअर जो हैं ये 350 के हैं, और लास्ट प्राइस ये 200 लगा देते हैं इसका। तो जो ये 950 वाला है इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, काम बहुत अच्छा था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, और जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेश है बिल्कुल। तो इनके पास स्वेट शर्ट भी थी, और स्वेट शर्ट की स्टार्टिंग रेंज थी 350 और मैक्स थी 550 तक, साइज पर डिपेंड करता है वो। अब मैं आ गई हूँ मनीष भैया की शॉप पे, और यहाँ पर ये वुलन कुर्ते थे 350 में, साइजेस इनके पास आपको ट्रिपल एक्सल तक मिल जाएंगे। वैरायटी आप देख सकते हो वुलन में आगे कितनी सारी रखी हुई है, इसमें सीक्वेंस भी थी, नॉर्मल भी थी, जैसे कि ये वाला है, कपड़ा बहुत सही था इसका, प्रिंट काफ़ी अच्छा था। पीछे वाले आप देख सकते हो, पीछे वाले हैं इनके 450 की प्राइस रेंज में, इसमें कॉटन में भी है और गरम में भी है। देन ये वाला था वेलवेट में, इसका प्राइस था 650, इस पर ऊपर सीक्वेंस वाला काम हुआ हुआ है, और मटेरियल काफ़ी अच्छा था इसका भी, इसमें भी आपको सारे साइज़ मिल जाएंगे, और इनकी मैक्सिमम रेंज जाती है 650 तक।
और सिर्फ कुर्ते हैं इनके पास, कुर्ता सेट नहीं है, कुर्ते हैं। तो शॉप नंबर 86 के बाहर थे मेरे फेवरेट वाले भैया, और इनके पास आपको जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं, चाहे वो नेक पीस हो, बेल्ट हो, ईयरिंग्स हो, सब बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। मतलब आपको वो कहीं और वो प्राइस नहीं मिलने वाला है। जैसे कि ये चोकर थे, ये सारे थे 150 की प्राइस रेंज में। वैरायटी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे यहाँ पर ये ब्रेसलेट्स थे, बैंगल्स थी, ये सब 100 रुपीज़ में हैं जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं। और ऑप्शंस आप इसमें भी देख सकते हो, कुछ एडी में थे, कुछ नॉर्मल ऑक्सीडाइज में थे, तो काफ़ी अच्छे थे। मंगलसूत्र भी थे इनके पास, जो कि 50 से 100 की प्राइस रेंज में है। इस तरीके के ब्रेसलेट्स भी थे। देन यहाँ पर ये बेल्ट्स थी, जो कि नॉर्मल मार्केट में सब में 250-350 की प्राइस रेंज में मिल रही है। यहाँ पर ये सब 150 और 200 में थी। साइज़ पे डिपेंड करता है उनके, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है उनके कि वो उनका क्या प्राइस है। इस तरीके के जो ये ईयरिंग्स के सेट हैं, ये थे 150 की प्राइस रेंज में। बेल्ट्स आप देख सकते हो, ये सारी 100 रुपीज़ में ही है। यहाँ पर चोकर थे, तो नीचे आपको जितनी भी आइटम दिखाई दे रही है, ये सब 100 रुपीज़ की हैं, चाहे वो चोकर हो, ईयरिंग हो, पेंडेंट सेट हो, या इस तरीके के ईयरिंग्स हो। ये पेंडेंट सेट थे, ये भी 100 रुपीज़ के ही थे। बैंगल्स या बैंगल सेट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, सब 100 रुपीज़ के हैं। ये जो ईयरिंग सेट है, ये आपके 150 से 250 की प्राइस रेंज में है। और इसमें भी साइज़ पर डिपेंड करता है कि छोटे साइज़ के ईयरिंग्स हैं और बड़े साइज़ के ईयरिंग्स हैं उसके ऊपर। देन यहाँ पर ये चोकर सेट थे जितने भी, ये सब 350 की प्राइस रेंज में। और वैरायटी आप देख सकते हो, मतलब इस पूरी मार्केट में आपको ये प्राइस इन नेक पीसेस का कहीं नहीं मिलने वाला है। और ऑप्शंस आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही क्लासी हैं। वैरायटी आप देख सकते हो इनकी। देन ऊपर ये हेयर पिंस थी, जो कि 30 रुपीज़ ईच में थी। बेल्ट्स में आप ऑप्शन देख सकते हो, सब 100 रुपीज़ की हैं। इधर जितने भी आपको नेक पीसेस दिखाई दे रहे हैं, सब 100 रुपीज़ के हैं। लिखा हुआ भी है वहाँ पे सेल 100 रुपीज़। तो जितने भी आपको ये नेक पीसेस दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीडाइज में, पर्ल में, ये सब 100 रुपीज़ के हैं। देन इसके ऊपर जितने भी चोकर सेट हैं, ये सब 300 के हैं। लास्ट मैंने गलत बोल दिया था, 350 नहीं है, 300 के हैं। देन यहाँ पर इनके पास ये सारी रिंग्स हैं, जो कि 50 रुपीज़ में हैं। और वैरायटी आप रिंग्स में भी देख सकते हो, सिल्वर, ऑक्सीडाइज। बड़ी वाली रिंग्स, छोटी वाली रिंग, बहुत वैरायटी है इनके पास। और कोई सी भी रिंग आप लोगे वो 50 रुपीज़ की है। देन यहाँ पर 200 की सेल वाले लॉन्ग नेक पीसीस भी थे। ये मांगटीका सेट थे, ये सब 200 की सेल में थे ये भी। और ऑप्शंस आप इसमें भी देख सकते हो। मैं कह रही हूँ, इनके पास आपको सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस मिलने वाले हैं इन सारी एक्सेसरीज़ के। तो इनके शॉप पे एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ थी ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जो कि 150 से स्टार्टिंग थी। और नेक पीसेज आप देख सकते हो इनके पास, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चाहे इस तरीके के चोकर हों, जो कि अब सरोजनी में भी 250 से नीचे नहीं है कहीं भी, यहाँ पर ये 150 के थे। वैरायटी आप देख सकते हो, इस तरीके के लॉन्ग वाले भी हैं, देन ऐसे भी हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस तरीके के कैरी किए हुए साड़ी पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बोहो लुक आता है। देन नीचे जितने भी आपको ये पेंडेंट सेट दिखाई दे रहे हैं, ये सब 100 रुपीज़ में हैं। देन शॉप नंबर 86 के आगे यहाँ पर ये शॉप थी बॉयज़ हुडी की, और ये सारे ब्रांडेड थे। और इनकी प्राइस थी 450। और सबके टैग आप देख सकते हो, टैग सब पे लगे हुए हैं, चाहे ये आगे नाइकी वाला हो या वो एडिडास वाला हो, ये गैप वाला है। साइजेस आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे, टैग्स आपको सबके दिखाई दे रहे हैं। और ऑप्शंस इनके पास बहुत अच्छे थे, सामने आप देख सकते हो हुडीज। और इस तरीके की वर्सिटी जैकेट भी थी इनके पास, जो कि अगर खाली आप जैकेट लेते हो तो वो आपको पड़ेगी 750 की, बट अगर आप अंदर की टी शर्ट भी साथ में लेते हो इसके, तो आपको पड़ेगी 950 की। और वैरायटी आप इसमें देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स हैं, प्लेन भी हैं, तो काफ़ी सही हैं ये, मतलब एक नंबर लग रही हैं जैकेट।
और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल ही है। तो अब हम आ गए हैं चौथी कलेक्शन में और इनकी एयरिंग्स एक नंबर है। मतलब नीचे वाले आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो 250 से 450 की प्राइस रेंज में है और ऊपर वाले जितने भी बड़े वाले एयरिंग्स हैं वो 650 से 750 की प्राइस रेंज में। और वैरायटी आप देख सकते हो, कुंदन, मीनाकारी, डिफरेंट डिफरेंट पर्ल्स में है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और कलर आपको हर पीस में मिल जाएगा, हर डिज़ाइन में मिल जाएगा। नीचे जितने भी बैंगल सेट हैं तो जितने भी एडी वाले हैं ये वाले हैं 250 के, और उधर वाले जितने भी थे वो सब 150 के हैं। चाहे आप नॉर्मल गोल्ड वाले ले लो या नॉर्मल बैंगल्स ले लो। और इनके पास इस तरीके के कोरियन ईयरिंग के सेट भी थे जो कि 200 में थे। आप कोई सा भी सेट लो वो 200 का है। मतलब मार्केट में सबसे कम रेट मुझे इन्हीं की शॉप पे लगा इन सेट का। कि आप बड़े लो या छोटे लो, कोई भी वैरायटी लो, आप 6 पीस का लो या 9 पीस का सेट लो, सारे के सारे 200 के हैं। वैरायटी इनके पास काफ़ी थी इसमें। तो यहाँ पर थे ये बच्चों की वुलन ड्रेसेस जो कि थी 350 में, और ये 2 से 3 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएंगी। ये नीचे वाले जितनी भी स्वेट शर्ट आपको दिखाई दे रही हैं ये 150 की प्राइस रेंज में हैं, और 1 साल तक के बच्चे के कपड़े थे इसमें। तो ये वाली तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। उसके पीछे वाली जो है ये 200 की है और शॉप नंबर था ये 88। तो शॉप नंबर 89 के बाहर यहाँ पर ये स्टोल और शोल वाले भैया थे। तो जो ये वाले शोल हैं, ये शोल और स्टोल हैं, ये सारे 150 से 250 की प्राइस रेंज में है। ऊपर जो ये फर वाला है ये 950 का है। जितने भी ऊपर भैया के ऊपर वाले जितने भी शॉल हैं ये सब 450 की प्राइस रेंज में है। आगे जो ये एम्ब्रॉयडरी वाले रखे हुए हैं ये भी 450 के हैं। देन इनके सामने ये अंकल थे जहाँ पर ये पोचू मिल रहे थे, और ये पोचू थे 950 के, बट लास्ट प्राइस इन्होंने मुझे 450 बोल दिया था इनका, क्योंकि इन्हें ख़त्म करना है अब माल अपना। बाकी मटेरियल वाइज काफ़ी सही थे ये, और रेड वाला तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो शॉप नंबर 92 के बाहर यहाँ पर ये 30 रुपीज़ की रिंग थी जहाँ पर ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स थे। कुछ मिरर वर्क वाले थे, कुछ नॉर्मल भी थे। देन इनके पास यहाँ पर ये सेल थी 50 रुपीज़ में। जितनी भी आपको नीचे चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब 50 रुपीज़ में है, चाहे इसमें स्क्रब हो, स्पॉन्जेस हो, डियोज हो, हेयर बैंड्स हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब 50 रुपीज़ में है और पूरे के पूरे बैंड्स हैं। देन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 100 रुपीज़ की हैं। चाहे मेकअप प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो नीचे, या फिर हेयर ब्रशेज हो, मेकअप ब्रशेज हो, हर चीज़ इनके पास यहाँ पर ये 100 रुपीज़ की थी। इस तरीके के हेयर ब्रश थे इनके पास 100 रुपीज़ के। देन ये रोलर था, फेस रोलर, जो कि 100 रुपीज़ का था। अब पता नहीं कितना असली है और कितना नकली है, बट ये जेड मसाजर था इनके पास 100 रुपीज़ में। बाकी ब्रशेज़ थे, हेयर ब्रशेज जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में थे, और ये भी 100 रुपीज़ में ही थे। देन इनके पास यहाँ पर ये नेल्स भी थे, फेक नेल्स, जो कि 50 रुपीज़ में थे। चाहे ये फ्रेंच मैनीक्योर वाला हो या फिर कलर में हो, और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में थे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में थे इनके पास, चाहे स्क्वायर हो, राउंड हो, ओवल हो, डिफरेंट डिफरेंट में थे। और यहाँ पर सामने ही इनके ये स्टिक ऑन वाले डबल साइडेड टेप भी थी ताकि आप इनको अपने नेल्स पे स्टिक कर सकें, और इसका प्राइस भी 50 रुपीज़ ही था। तो जितनी भी आइटम्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं सब 50 रुपीज़ की हैं। और नेल्स के डिज़ाइन आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट हैंगे इनके पास, और सब 50 रुपीज़ के, और वेराइटी एक नंबर है इनके पास। वैनिटी बॉक्स भी थे इनके पास, और सामने जितने भी बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब 1250 के हैं, और जो इधर वाले हैं ये सब 750 के हैं। नीचे वाले ये जो है पीच कलर वाला जो है ये 750 का, ये भी, और स्पेस काफ़ी सही था इनके अंदर, काफ़ी सामान आ जाएगा, आप देख ही सकते हो। तो गुरु नानक फैब्रिक के सामने यहाँ पर थी ये रिंग 300 रुपये की, जिसमें कोट्स, ब्लेजर्स और जैकेट थी। तो जितने भी आपको कोट और ब्लेज़र दिखाई दे रहे हैं ये सब 300 की प्राइस रेंज में है। वैरायटी आप देख सकते हो काफ़ी सही है, एज़ कम्पेयर टू सरोजनी तो काफ़ी सही है ये। वेलवेट में भी थे इनके पास, नॉर्मल वुलन में भी थे, फर में भी थे, और इस तरफ बफर जैकेट्स थी जो कि 550 की थी। और वैरायटी इनमें भी आप देख सकते हो, चाहे ये पिंक वाली हो या इसके पीछे ये रेड वाली जैकेट हो, काफ़ी सही लग रही थी। पर ये थोड़ी शॉर्ट थी, पर मटेरियल काफ़ी अच्छा था इसका,
और इसके अलावा भी आप देख सकते हो बफर जैकेट। देन यहाँ पर ये H&M और ज़ारा वाले श्रग थे और ये 250 की प्राइस रेंज में थे कॉटन और वुलन मटेरियल में। यहाँ पर ये सेट थे कुशन कवर के सेट थे जो कि 350 की थे पूरे सेट, 6 पीस का सेट था ये। तो यहाँ पर ये आंटी लड्डू गोपाल के कपड़े दे रही थी, तो ये छोटे वाले जो हैं छोटे वाले 60 के हैं और जो बड़े वाले हैं वो 70 के हैं और इनके पास उससे ही बड़े वाले थे, मतलब जिस साइज़ के आपके लड्डू गोपाल हैं उस साइज़ के कपड़े इनके पास अवेलेबल थे और सभी ऊन के थे। वैरायटी आप देख सकते हो, तो जो आंटी के हाथ में है वो सब 70 वाले हैं और जो इधर आंटी फेंक रही हैं वो सारे 60 रुपये वाले हैं और बड़े वाले जो थे वो 150 तक के थे। तनिष शॉप पर यहाँ पर 750 के थे ये ड्रेस मटेरियल और मसलिन कॉटन वुलन में थे ये। वैरायटी आप देख सकते हो, गोटा पट्टी वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी हुई हुई है इनके ऊपर और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। प्रिंट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, वैरायटी आपको अच्छी मिल जाएगी। देन सामने वाले जितने भी आपको ड्रेस मटेरियल दिखाई दे रहे हैं वो सब 1000 के हैं, जो ऊपर हैवी वाले हैं जिनका वर्क काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है गले पर। वुलन वाले जो थे ये 1250 के थे शॉल के साथ, मटेरियल इनका भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सूदिंग मटेरियल था इनका। देन इस शॉप पर 50 की सेल थी ईयरिंग्स की, चाहे आप ऑक्सीडाइज लें या फिर नीचे इनके पास कोरियन ईयरिंग्स थे जिनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, आप देख सकते हो। स्टोन वाली ईयरिंग्स भी हैं इनके पास और ऊपर भी स्टड हैं, डिफरेंट डिफरेंट हुप्स हैं इनके पास। और इधर जो एथनिक ईयरिंग्स हैं ये सारे 150 के हैं, चाहे इस तरीके के स्टड्स हों या ऊपर वाली जितनी भी झुमकियाँ हैं ये सब 150 की प्राइस रेंज में हैं। तो शॉप नंबर 36 पर यहाँ पर ड्रेस मटेरियल थे जहाँ जो कि सेल थी 750 की, तो ये बनारसी वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, कपड़ा बहुत अच्छा था इसका, 3 पीस सेट था ये टॉप बॉटम और दुपट्टे का, तो जितना ही सुंदर इसका टॉप है उससे ज़्यादा सुंदर इसका दुपट्टा लगा मुझे और वो गिर भी गया, नज़र लग गई मेरी, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा था इसका और इसके बॉटम का कपड़ा ये बहुत अच्छा था, कॉटन मटेरियल में था बॉटम इसका। देन इनके पास चिकनकारी में कॉटन में वुलन में थे, तो ये चिकनकारी वाला जो है ये भी 750 का था, सेल थी इनके पास जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हो 750 का।